नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जी न्यूज पोर्टल। मैं उमाशंकर तिवारी, मैं मलाड़ा चौड़ जीएसएस से लाई हूँ। जैसा कि आपको विदित है, सारे क्षेत्र में मलाड़ा चौड़ जो जीएसएस क्षेत्र था उसमें लाइट की जो व्यवस्था थी वो पिछले 7 दिन से अस्त व्यस्त थी। बार बार लाइट के ट्रिप होना और जिससे सारा क्षेत्र लाइट की दृष्टि से परेशान था, सप्लाई सुचारू नहीं हो सकती थी। उसी के तहत आज ये यहाँ का सुधार कार्य चल रहा है। जीएसएस मलाड़ा चौड़ का जो 33 KV पावर ट्रांसफार्मर था उसमें कुछ मिस्टेक थी, जिसकी जगह भाई ये नया ट्रांसफार्मर बदल दिया गया है और सारा का सारा सिस्टम नया चेंज किया जा रहा है। बात इस बारे में हमने पहले भी जानकारी ली थी, सारे इंस्ट्रूमेंट आ चुके थे, शिफ्टिंग का काम बाकी था, उसी के कारण से इतनी ये समस्या आज खड़ी हुई है। देख लीजिए आप, कार्य बराबर बंदोबस्त जारी है। ये जो मलाड़ा चौड़ जीएसएस है, यहाँ से क्षेत्र के सारे गांवों को, ग्रामीण क्षेत्र को भी बिजली सप्लाई का कार्य किया जाता है। यहीं से जचना, नीमोद, करेल, लाडोता, तारणपुर, अनियाला, श्रीपुरा सहित करीबन 4-5 ग्राम पंचायतों को पावर सप्लाई की जाती है और खुद स्थानीय मलाड़ा चौड़ कस्बे को भी यहीं से सप्लाई की जाती है। ये पूरा क्षेत्र विद्युत सप्लाई बाधित होने से काफ़ी परेशानी थी। गर्मी की अधिकता और लाइट का नहीं आना लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था, परंतु आज ये सारा दुरुस्तीकरण का या चेंज शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है। देख लीजिए, सारा का सारा सिस्टम चेंज किया जा रहा है, पूरे नए उपकरण शिफ्ट किए जा रहे हैं। इसके बारे में हमारे जो कनिष्ठ अभियंता है उनसे भी हम जानकारी लेंगे। पहले सब लोग अपने कामों में लग रहे हैं। कमले जी, इंजीनियर साहब देंगे ना दीपक जी। अब इसके बारे में जो पूरा है, ये जो क्या क्या शिफ्टिंग हो रहा है, ये इसके बारे में हम यहाँ के जो भाड़ोती कनिष्ठ अभियंता हैं दीपक जी मीणा, इनसे चर्चा करेंगे इस बार। दीपक जी, पिछले 7 दिन से जीएसएस मलाड़ा चौड़ और आसपास का जहाँ भी इसकी सप्लाई थी बाधित था मामला, क्या कारण थे और क्या सुधार कर रहे हैं आप, जानकारी? ये कारण था कि इस पर लोड ज़्यादा था, जो 3.15 का पावर ट्रांसफार्म रखा हुआ था लोड ज़्यादा रहा था, उसकी जगह हमने उसको बदल कर 5 MVA का ट्रांसफार्म कर दिया जो तो ये अभी ये जो पावर कट की बार बार समस्या आ रही थी, इससे हमको निजात मिलेगी पूरे क्षेत्र को। और कुछ समस्याएं हम आपको यहाँ के ये सुधार होने के साथ ही हम एक चीज़ और आपके ध्यान में लाना चाहेंगे कि जो गाँव की जो सप्लाई लाइनें हैं वो भी व्यवस्थित नहीं है इस समय। उसके लिए हमने ऑलरेडी प्रपोजल बना के भेजा हुआ है, आप गांव के 2 फीडर कर देंगे हम इसको, मलाना छोड़ के भी 2 फीडर तो उससे क्या भेजा हुआ है, इससे आपने क्या है कि जैसे कोई शटडाउन भी होगा तो पूरे गांव सप्लाई बंद होगी, कोई पर्टिकुलर मोहल्ला ही बंद होगा। तो अब ये माने कि अब इस समस्या से बहुत जल्दी निजात मिलेगी। चलो, ये देख रहे हैं, ये थे हमारे कनिष्ठ अभियंता दीपक जी मेरा, और इनका कहना है कि जो जितनी भी
कमियां थी उनको दुरुस्त किया जा रहा है और सारी की सारी जो समस्या है उससे निश्चित रूप से बिल्कुल हमको निजात मिलेगी, परेशानियां दूर होगी और निश्चित रूप से सही भी है कि ये गर्मी का प्रचंड गर्मी का समय है और उसमें इस तरीके से लाइटों का कटना सभी के लिए परेशानी का सबब बनता है। आप देख रहे थे जी न्यूज पोर्टल और जीएसएस मलाना चौड़ से था लाइव दिखा रहे थे उमाशंकर तिवारी। इसी के साथ सभी का धन्यवाद।